कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बात ही नहीं अपने में बहुत बड़ा सोच भी है। आज का ये टॉपिक होगा आपका समय चाल दूरी, यानी कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक ना, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से और स्पीड को एस से और दूरी को डी से। चलिए देखते हैं। देखिए समय और दूरी जो होता है ना, और समय और चाल, पहले समय और चाल की बात करेंगे। समय और चाल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो चाल अपने आप क्या होगी, घट जाएगी। अगर चाल घट जाएगी तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। अगर चाल बढ़ जाएगी तो समय घट जाएगा। कैसे, ज़रा देखना कि जैसे मान लेते हैं ये आप हैं या फिर कोई है, मानते हैं चलिए ये है मोहित। ठीक है, मोहित है, इसके घर से जो इसका स्कूल है, ज़रा ध्यान देना, वो क्या है, स्कूल है, और वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है, 30 किलोमीटर दूरी पर है। अगर ये मोहित जो है वो अपनी बाइक या कार या स्कूटर स्कूटी जो भी लिया है उसकी चाल को क्या करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बताओ तुरंत। भाई मोहित है, इसका जो दूरी है स्कूल की 30 किलोमीटर है, ये 60 की स्पीड में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, आधा घंटा लगेगा ना। कितना लगेगा, 1/2 आवर या फिर 30 मिनट लगेगा ना। लेकिन अगर ये चाल को क्या करे, घटा दे। अब ये चाल को घटा करके कितने में जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और इसकी दूरी वही है 30 किलोमीटर ही। अब बताइए क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब इसको वहाँ तक जाने में पूरा पूरा 1 घंटे का टाइम लगेगा, अर्थात 60 मिनट का टाइम लगेगा। समझ गए ना, बात समझ में आई। यानी कि जब वो 60 में जा रहा था तो उसको आधे घंटे लग रहे थे, यानी 30 मिनट। जब वो 60 की जगह क्या किया, घटा दिया चाल, 30 कर दिया, चाल 30 कर दिया, तो समय देखिए 30 मिनट के बदले 60 मिनट हो गया ना। इसी तरह से अगर ये चाल बढ़ा करके 120 कर देता तो समय कितना हो जाता, अगर ये 120 की स्पीड में जाता तो समय यहाँ पर 15 मिनट हो जाता, यानी कि 1/4 हो जाता, ये क्या हो जाता, 1/4 घंटे। बात समझ में आई ना। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो चाल और समय होता है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर चाल तेज़ होती है, ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं तो समय कम लगता है, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो चाल, सिंपल सी बात है, धीमा होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, इस पर और भी बहुत कुछ है, अभी पूरा देखना वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा कि एक कार है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है, तो क्या करना है, कार की चाल बताना है। अब आप खुद सोच करके बताओ इसमें दिया क्या क्या है, पहले इसको देखना है। तो देखिए भाई, हमें कार बनाना तो बहुत अच्छे से नहीं आता है, फिलहाल ऐसे बना देते हैं, मान लेते हैं ये है कार। क्या है ये, ये है कार, और ये क्या कर रही है, ये कर रही है दूरी को तय कर रही, मतलब कहीं जा रही है। ठीक ना, कितना की स्पीड में जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो पहले आपको चुपचाप लिखना है दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, दिया है 60 किलोमीटर की दूरी दिया है, यानी कि इसमें दिया है दूरी 60 किलोमीटर है ना, चाल दिया है क्या, नहीं दिया है ना, किलोमीटर दिया दूरी, 2 घंटे में तय कर रही, यानी कि समय दिया है, का दिया है 2 घंटे, हमें दूरी और समय दिया है। कह रहा कि चाल ज्ञात कीजिए, चाल बताओ। तो भाई चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि चाल पूछा है मतलब स्पीड पूछा है, आप फार्मूला लगाओगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चलिए लिख लेते हैं, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। देखिए 0 लेवल की मैथ है ये, मत भूलना, नहीं तो कहो बहुत छोटा छोटा सवाल है। दूरी है 60, समय लग रहा है 2 घंटे का, कट जाएगा मतलब आएगा 30, और चाल को लिखते हैं किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि वो कार बहुत धीरे धीरे जा रही थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, तब ये स्थिति बनी। बात समझ में आई, जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, फार्मूले भी आपके सामने दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन भी करवा दिया गया। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, पूरी गारंटी के साथ ये बेसिक क्लास होती है, इसके बाद हम शुरू करते हैं कॉम्पिटिशन की मैथ, जो कि आप 1 डे एग्ज़ाम में प्रयोग करते हो। नोट हो गया।
देखिए एक छोटा सा और प्यारा सा और भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि शीला अपने घर से स्कूल की दूरी कितने समय में तय करेगी, मतलब अपने घर से स्कूल कितना समय में जाएगी यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और स्कूल उसके घर से 15 ही किलोमीटर दूर भी है। आप लोग तो मुँह जबानी बता देंगे, लेकिन जिनको नहीं आता कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसे करोगे। पहले तो आपको देखना है दिया है, देखिए का का दिया। इसमें कह रहा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यानी कि इसमें हमें चाल दिया है, यानी कि यस दिया स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे कह रहा है उसके स्कूल की जो घर से दूरी है यानी कि डिस्टेंस दिया हमें, वो क्या दिया है 15 ही किलोमीटर दूर है। तो समय पूछा है तो लगा दो ना समय बराबर फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो जब आप लिखोगे यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल, पहले दूरी 15 है, चाल क्या है 15 है, काट दोगे बराबर एक आ जाएगा। किस में आएगा एक? एक मिनट में पहुँच जाएगी क्या? ना, एक घंटे में पहुँचेगी। और यहाँ पे आप एक घंटे क्यों लिखोगे, इसका रीजन क्या है? यहाँ पर आप एक घंटे नहीं एक घंटा लिखोगे, क्योंकि ये एक है, अगर एक से अधिक होता दो होता तो आप 2 घंटे 3 घंटे लिखते। समझ में आया ना? 1 आवर का टाइम लगेगा। बात समझ में आई ना? नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया आपका चाल और समय। प्रिय दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने। यदि शताब्दी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाती है, जी हाँ यूपी की राजधानी यानी कि कैपिटल लखनऊ और भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच रही है, तो आपको बताना है लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितना है। हाँ, ये मत सोचना कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो करेक्ट दूरी आ जाएगा लखनऊ से दिल्ली की, ना, यहाँ पर सवाल में जो दिया उसके अकॉर्डिंग आएगा, बाकी एक्यूरेट नहीं होगा कि हाँ आप समझ जाओ कि हाँ भाई लखनऊ से दिल्ली इतना दूर है, यहाँ पर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जल्दी से बताओ। देखिए इसमें दिया क्या है, कह रहा कि चाल है ना इसमें, तो यानी कि हमें चाल दिया है और क्या दिया है, समय दिया है, निकालना क्या दूरी निकालना है। ये फार्मूला लगा दो ना, दूरी बराबर, अब हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 120, समय लग रहा 4 घंटे, गुणा कर दोगे 12 चौक 48, 480 किलोमीटर। यानी कि इस सवाल के अकॉर्डिंग जो लखनऊ से दिल्ली की दूरी है वो 480 किलोमीटर है। बात समझ में आई ना? आपने चाल निकालना सीख लिया, समय निकालना सीख लिया, दूरी निकालना सीख लिया। ये है जीरो लेवल मैथ, जहाँ आप पढ़ते नहीं बल्कि सीखते हैं, और वो भी पूरी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ सीखते हैं। लेकिन ये डेमो क्लास है, अफसोस की बात है, अगर आप रियल में क्लास देखोगे तो यहाँ का वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, कई गुना अच्छा मिलेगा। तो ज्वाइन अवश्य करें, ऊपर दिए गए नंबर पर ज्वाइन JLM लिख कर भेजें, और PVR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, और अभी इस क्लास को तुरंत लाइक करने बिना देर करे हुए चैट ऑप्शन को हाइड करें और लाइक करके फिर से देखें। आप लोगों की अक्सर शिकायत होती है और सवाल होता है कि ये बताइए अभ्यास प्रश्न हम लोग कहाँ से करेंगे, है ना? तो आपके लिए भी सवाल अब हम आपको देंगे, बिल्कुल होमवर्क देंगे, और होमवर्क पूरा करके आना है, अगर होमवर्क नहीं पूरा करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है और आपको समझना होगा। जल्दी से देखो, क्वेश्चन हो गया आपके सामने, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल आपको दिखाते हैं, इसको आपको घर से करके लेके आना है, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया व्हाट्सएप पर भेजेंगे उनका सवाल सब चेक होगा, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो इस वीडियो में आकर के कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक ना? तो जल्दी से नोट कर लो, हो गया, आगे चलें, और भी सवाल देखिएगा, अभी इतने से ही काम नहीं चलने वाला है, इतना अभ्यास कर लो ना कभी भूले ना ज़िंदगी में, अभी और भी नोट करिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से नोट कर लो, इन सभी को छाप लो फटाफट, 8 क्वेश्चन है आपके सामने। देखो इसमें चाल दिया 140, समय दिया है 7 घंटे का, आपको निकालना क्या है दूरी निकालना है, ठीक ना? समय दिया है 5 घंटे, दूरी दिया है 500 किलोमीटर, आपको चाल बताना है। दूरी दिया है 990 किलोमीटर, चाल दिया है 110 किलोमीटर प्रति घंटे, आपको समय बताना है। बिल्कुल पूरा होमवर्क क्लास में होगा, ये तो आप डेमो देख रहे हो अभी, फिर मत बोलना ये डेमो क्लास है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या मिलेगा उतना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये अगला सवाल है, इसका HCF और LCM दोनों बताना, बताना जरूर बताना इसको हल करके, और भेजना पूरा फोटो खींच के व्हाट्सएप पे जो लोग ज्वाइन किए हैं।
इसको भी हल कर देना बोर्ड मास का रूल लगा करके। पहले दूसरे पार्ट में आपने देखा था। इस क्लास का अगर आप और भी भाग देखना चाहते हैं, लगभग 10 डेमो क्लास हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको समझना होगा तो उतने में समझ जाओगे। फेसबुक पर PBR स्टडी सर्च करके अवश्य लाइक करिएगा, फ्रेंड अवश्य बना लीजिएगा। आप इस क्लास को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हो सकता है आप इस क्लास को इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप अभी तुरंत यूट्यूब पर आएं और PBR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। इतना ही नहीं, विजिट कर सकते हैं PBRstudy.com, आपको बहुत कुछ मिलेगा। करंट अफेयर, GK GS, PDF फाइल, वीडियो क्लास, पेन ड्राइव कोर्सेज और अन्य जो कुछ भी मिलेगा यहाँ हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो फिलहाल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बोल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई और भी सवाल अभी आपके मन में उबड़ रहा है तो उसे ज़रूर बोलिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ एक नया जोश और जुनून उत्पन्न करती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ हम फिर से मिलेंगे आपके सामने आपकी जीरो लेवल मैथ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमारी दुबंसी आपके सामने प्रतिदिन दिखाता हूँ जीरो लेवल की बेसिक मैथ, जिससे कि आप मैथ सीख सकें और कुछ अच्छा कर सकें। शुक्रिया।